अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। पति पत्नी और वो को लेकर आज मेरठ के न्यू आर्य नगर में जमकर हंगामा हुआ। एलिगेंट होंडा के मालिक आशीष चौधरी व उसके साथियों ने उस मकान में घुसकर तोड़फोड़ की जहां उसकी पहली पत्नी अपने बच्चों संग रहती है। कुछ ही देर में आशीष संग लिव इन में रह रही करीब 20 साल छोटी महिला भी अपने नवजात बच्चे संग वहां पहुंच गई। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और हंगामा भी। आशीष चौधरी के 26 वर्षीय बेटे विक्रमादित्य ने बताया कि उसकी छोटी बहन की उम्र की युवती से पिता ने शादी कर ली है और पिछले 5 साल से वह एलिगेंट होंडा में काम करने वाली शिवानी खत्री के साथ रह रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और आशीष चौधरी को पकड़कर ले जाने लगी। आशीष सड़क पर लेट गया और शिवानी ने भी उसे पुलिस से छुड़ा लिया। इस तरह कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल अभी 5 अप्रैल को 7 न्यू आर्य नगर निवासी मीनाक्षी चौधरी ने मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति आशीष चौधरी, जो गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा के मालिक हैं, उन्होंने शिवानी खत्री से बिना उन्हें तलाक दिए शादी कर ली। अब उनका एक बच्चा भी है। मीनाक्षी ने अग्रनेस विहार शास्त्री नगर निवासी आशीष चौधरी जेठ विनय चौधरी सास शकुंतला के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में पिस्टल लगाने व धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। मीनाक्षी व आशीष के तलाक का केस अदालत में विचाराधीन। आज आशीष चौधरी दरवाजा तोड़कर इस तरह घर में घुस गया और हंगामा किया। देखिए मान्यवर हम दोनों पक्ष में जा रहे हैं। एक पक्ष थाने तक घुसी जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सभी लोग थाने चलो। सांड को पकड़ो, जो इस बारे में आशीष चौधरी के बेटे विक्रमादित्य ने यह जानकारी दी। ये आज घर में जबरदस्ती घुसे, इन्होंने गेट फाड़ के अपनी गाड़ी अंदर लगा दी। सारे कैमरा इन्होंने हमारे तोड़ दिए, हमने कल ही लगाए थे जो, क्योंकि हमें लगा था ये कुछ ना कुछ ज्यादा करेंगे। और आपने देखिए खिड़की ग्रिल मतलब लकड़ी तो टूटा हुआ गोल्डी। मैडम इन्होंने सब तोड़ दिया, वो विंडो खुल चुकी थी, एनी टाइम अंदर आ सकते थे। पुलिस जस्ट तब आई है। मर्चेंट नेवी में किस पर क्या हुआ? आज यहाँ पर हुआ क्या आज यहाँ पर? अरे आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज ही हुआ सारा। हुआ क्या? कितने लोग आए थे घर में? ये मेरे फादर है, वो इनकी वाइफ है जिनका अब तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। ये कोई लड़की है जिससे उन्होंने बच्चा कर लिया है। आपके फादर ने आपको कोई दखल कर दिया ना? जायजा से हाँ कि ना ये बोल। अरे एक मिनट मैडम, जो मैडम आप दो मिनट रहिए। ये मैम है ना, ये 22 साल की है, जो मेरी छोटी सिस्टर उनकी डॉटर वो भी 22 साल की है। नहीं, वो 21 की है बल्कि। अच्छा आपके तो आज क्या हुआ पूरा? कितने लोग आए थे ये लोग? दूसरी आज ये थी अश्मिरा जी और आशीष चौधरी थे। कौन आशीष चौधरी? मेरे फादर। हाँ, अच्छा। सौरभ बल्ला थे उनके मित्र और एक अनुज और एक उनका मित्र था। ये 4 लोग आ जाए। फिर क्या हुआ? उन्होंने देखिए हमारे कैमरास तोड़ दिए, हमारी विंडो तोड़ने की कोशिश करी, विंडो तो उन्होंने तोड़ दी थी, ग्रिल लोहे के वो सब निकाल चुके थे। अब उसके बाद वो जस्ट अंदर घुसते तब पुलिस आ गई। आप कितने साल से इस घर में रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही हुआ यहीं होता सर, मैं 26 साल से रह रहा हूँ। आपके पापा आपके साथ कितने साल से नहीं है? 2018 से नहीं है हमारे साथ, 5 साल से। इनके साथ 5 साल से? हाँ। नहीं नहीं, ये 5 सालों में तीसरी फीमेल है जो उनके साथ मैंने देखी। पिताजी क्या करते हैं? वो जो उनकी पहली पार्टनर थी अलग होने के बाद। और आपकी माँ का, माँ के कितने पार्टनर रह चुके आप बताओ ना, झूठ मत। आप 2 मिनट बात करने दीजिए। एक मिनट मैडम, आप एक जो उनकी पहली पार्टनर थी डिवोर्स मतलब सॉरी सेपरेशन होने के बाद, वो मेरी मदर की सिस्टर थी सगी।
तो आप समझ रहे हैं, उन्होंने मेरे मदर की फादर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, एलिगेंट होंडा शोरूम है इनका कट रोड पे, एचडीएफसी बैंक। क्या नाम है इनका? आशीष चौधरी। कोई कोर्ट में भी चल रहा है विवाद आपका अभी तक? हाँ, ये इस मकान को लेकर? नहीं, मकान को लेकर नहीं, डिवोर्स केस चल रहा है। मदर फादर का मकान में कौन कौन लोग रहते हैं? मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, और सिस्टर भी अभी पढ़ रही है गुड़गांव में।